क्या पुलिस सच में इतनी बेरहम हो सकती है कि किसी आम नागरिक को मार मार कर बेजान कर दे? तो इसका जवाब है हाँ। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए जो आई है बिहार के सीतामढ़ी से। बताया जा रहा है कि बीते रोज जीआरपी के जवानों ने यहाँ एक युवक को इतना मारा कि उसकी आंख तक बाहर आ गई। पीड़ित के परिजनों के मुताबिक गुरुवार रात मोहम्मद फुरकान अपने परिजनों को छोड़ने के लिए पुपरी रेलवे स्टेशन आया था। इस दौरान मुंबई जाने वाली कर्मभूमि एक्सप्रेस में भीड़ होने के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। भीड़ ज्यादा थी और सभी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान फुरकान के परिजनों का सीट को लेकर दूसरे पैसेंजर से विवाद हो गया। इसी दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जीआरपी के जवान आए और लोगों को बाहर निकालने के लिए लाठियां बरसाने लगे। परिजनों का आरोप है कि 4 से 5 पुलिसकर्मियों ने मिलकर स्टेशन पर फुरकान को बुरी तरह से पीटा। पिटाई की वजह से उसकी आंत भी बाहर आ गई। परिजनों की माने तो युवक का कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ था। वहीं घटना के बाद स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ, लोगों ने तोड़फोड़ तक की। फिलहाल मामले में 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 2 पुलिस जवानों प्राणी दयानंद पासवान और सिपाही गोरेलाल को भी सस्पेंड किया गया है। हालांकि यहाँ सवाल ये है कि ट्रेन से भीड़ हटाने के नाम पर एक युवक को इतना क्यों मारा गया कि उसकी जान पर बनाई? क्या फुरकान कोई गुंडा मवाली अपराधी था जिसे इतना मारा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, या पुलिस वाले उससे कोई दुश्मनी निकाल रहे थे? वजह कुछ भी हो, लेकिन ऐसा करना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। जिन पुलिस वालों ने ऐसा किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। वही रेल SP गौरव मंगलम ने मामले को लेकर बताया है कि 25 जुलाई को पुपरी स्टेशन पर यह घटना हुई थी, जहां ट्रेन नंबर 10545 अप में 2 यात्रियों के बीच सीट को लेकर हिंसक झड़प हुई। इसमें बीच बचाव करने गए जीआरपी के जवानों के साथ भी एक पक्ष के लोगों ने मारपीट की। इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, वहीं एक युवक फुरकान भी घायल हुआ, जिसकी पहले एक सर्जरी हो चुकी थी। पुलिस के साथ झड़प में इस सर्जरी का स्टिच खुल गया। बहरहाल इस पूरे मामले की सही से जांच के लिए DSRP समस्तीपुर को निर्देश दिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।